दोस्तों, उल्लास और उमंग का त्यौहार यानी कि होली, होली का सीजन शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना होली की कुछ ऐसी रेसिपियाँ जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसी डिश जो बिगनर्स को बनाने में बहुत आसान रहेगी, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आज बनने जा रही है पनीर की नमकीन। इस समय जो हमारे घरों में नई बहुएं होती हैं, एक प्रकार से मैं उनको बिगनर ही कहूँगी, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि आप होली पर ये डिश बनाइए, वो बनाइए। तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको तेल का, पानी का या आटे का, किसी भी प्रकार के रेशियो का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊँगी कुछ ट्रिक्स जिसकी वजह से आपकी ये नमकीन बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और इस रेसिपी को शुरू करने से पहले फटाफट कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं होली से रिलेटेड बहुत सारी हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपियाँ लेकर आने वाली हूँ। पनीर की ये मज़ेदार नमकीन बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आधा कटोरी मैदे की और आधा कटोरी पनीर की। और थोड़ा सा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इसे कुरकुरा बनाने के लिए सूजी का। तो सूजी बस नम मात्रे की डालनी है आपको। इसके बाद दोस्तों, आपको अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज करने हैं और इसकी मात्रा कितनी भी आप रख सकते हैं। तो चलिए इसका आटा लगा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इस नमकीन को कितनी ही ज़्यादा मात्रा में बनाएं, मगर ध्यान रखिएगा कि पनीर और आटे की मात्रा बराबर होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर यूज कीजिएगा नमक का, नमक कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि हम इसमें बाद में भी नमक ऐड करने वाले हैं। अब पहले हम नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें मोयन के लिए आप 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस सरसों के तेल का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें से स्मेल आने लगेगी। मोयन को अच्छे से मैदे में मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने पनीर को। इसके बाद दोस्तों, आपको ना बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पनीर है ना, वो तो घर का है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आप मार्केट का पनीर यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे ग्रेट करके यूज कीजिएगा, ताकि उसमें लम्स ना पड़े। और दूसरा, अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत पानी का यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है, मसल मसल के देखिए ऐसा सॉफ्ट आटा लगाना है। और उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक के रख दीजिएगा, ताकि सूजी फूल के तैयार हो जाए। और तब तक आप इसके लिए तैयार कर लीजिएगा नमक का। तो यहाँ पर हम चटपटा खट्टा मीठा नमक तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूज कीजिएगा थोड़ी सी काली मिर्च का, आधा चम्मच चीनी का। चीनी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लीजिएगा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद है तो। और थोड़ा सा यहाँ पर यूज कीजिएगा सादा नमक का, क्योंकि हमने नमक पहले भी यूज किया है, इसलिए नमक की मात्रा बिल्कुल कम रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से आप मिला लीजिएगा और साइड में रख दीजिएगा। अब इसको फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर कढ़ाई। तो यहाँ पर दोस्तों, आप कोई भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं और कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो सरसों के तेल को अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो आपकी नमकीन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी और कुछ दिनों बाद उसमें से स्मेल आने लगेगी। दोस्तों, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना, वैसे ही आप अपने ड्राई फ्रूट्स को पहले फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटी सी चाय छानने वाली छन्नी का, इससे है ना हमारा काम आसान हो जाता है। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, बस ये लोहे की होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है और एक एक करके इसमें छन्नी में अपने ड्राई फ्रूट्स रख के उनको फ्राई कर लेना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। और मूंगफली को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मूंगफली जब फ्राई हो जाती है तो चटकने लगती है, और बस आप समझ जाइएगा कि ये फ्राई हो चुकी है। और जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं, तो ये शाइन है कि वो भी फ्राई हो चुके हैं। बस दोस्तों, इसके बाद आपको सिर्फ नमकीन बनानी है। और ये आटा बहुत सॉफ्ट है, तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आटा फूल चुका है,
अब आप दोस्तों नमकीन बनाने वाली मशीन ले लीजिएगा और इसका मीडियम साइज वाला जो सांचा होता है वो ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दो साइज की नमकीन बना के दिखाऊंगी, आपको जो पसंद हो मोटी या पतली आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। अब आप इस मशीन में ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आपको नमकीन बनाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। इसके बाद दोस्तों पहले सांचे को अंदर लगाइएगा, उसके बाद इसमें आटा डालिएगा और इस तरीके से इसकी चूड़ियों को घुमा के इसको कस लीजिएगा। इसको अच्छे से कसिएगा, नहीं तो आपको नमकीन बनाने में दिक्कत आएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अब यहाँ पर अगली ट्रिक बता रही हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, क्योंकि ये नमकीन इतनी पतली होती है एकदम से जल जाती है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब बिल्कुल सावधानी से आप इसको घुमाइए और बिना हाथ जलाए आपको नमकीनों को तेल में धीरे से छोड़ना है। और जब आपको लगे कि आप इतनी ही नमकीन में एक बार में तल सकती हूँ, तो चम्मच से इसको काट लीजिएगा या चाकू का भी यूज कर सकते हैं आप, और बस फिर दोबारा से नमकीन बनाइएगा। एक बार की नमकीन मैंने बना के उतार दी है, अब मैं एक पतले साइज की नमकीन बना के भी आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ये साइज पसंद हो तो आप इस साइज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल पतली वाली नमकीन निकाल रही हूँ, और यहाँ पर तो आपको फ्लेम को और भी ज़्यादा लो कर लेना है और सावधानी पूर्वक इसको तेल में छोड़ देना है, ताकि आपका हाथ भी ना जले और आपकी नमकीन भी बनके तैयार हो जाए। और बस दोस्तों इसी तरीके से आपको सारी नमकीन फ्राई करके तैयार कर लेनी है। ये देखिए मेरी नमकीन तो बनके तैयार हो गई है, और यहीं पर मैंने फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, और ये बिल्कुल इतनी कुरकुरी बनी है, आपको सो भी हो रहा है। और बस इसको आप हाथ से इस तरीके से तोड़ लीजिएगा, छोटे छोटे पीसेस बना लीजिएगा। और बस ये जो नमक आपने बना के रखा था ना, उसको इसमें ऐड कर देना है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, और लीजिए खट्टी मीठी चटाकेदार पनीर की नमकीन बनके तैयार है। तो दोस्तों इस बार आपकी होली की पार्टी में लगने वाले हैं चार चांद, और मैंने जैसे कि पहले ही कहा था, बिगनर्स या नई जो बहुएं होती है ना, उनका काम मैंने बहुत आसान कर दिया है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को नमकीन बनाने की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए होली की और भी बहुत सारी रेसिपियाँ। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए स्वाद के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बाय बाय।